नाजिम, जिस तरह जानते हैं कि मैं 133 के ऊपर इलेक्शन की जो दबादमस्त चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, उसको कवर कर रहा हूँ नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर UC 239 में, जो कि एक नून लीग का घड़ है। यहाँ पर आज जो ओपनिंग हुई, जहाँ पर अली परवेज ने इसका इफ्तिताह किया, और क्वेटा से हमारे साथ नून लीग के एक कैंडिडेट भी हैं और एक समाजी और सियासी वर्कर भी हैं, नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछे कि क्वेटा से पार्टी की तरफ से आया या एक जुनून आपको यहाँ पर लेके आया, ये सर बताइएगा। क्वेटा हो, पाकिस्तान हो, कोई भी जगह हो दुनिया की, जहाँ नून की बात होगी, जहाँ पार्टी की बात होगी, वहाँ पहुँचेंगे। हमें ये एक ताल्लुक है, ये पार्टी जो है एक फैमिली है, ये खानदान है, ये किसी इलाके का नाम नहीं है, किसी हलके का नाम नहीं है। और क्योंकि मैं क्वेटा से मेरा ताल्लुक, और क्वेटा के लोग वो हैं जो दोस्तों के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अली परवेज भाई छोटे भाई हैं मेरे, और मलिक परवेज साहब का जो नाम था पार्टी के अंदर, और जो उनका एक नाम है, उनका एक जो हल्के के अंदर एक जो उनका काम था, वो मुझे यहाँ पे लेके आया। तो इसमें मुझे किसी को यही करके किसी ने पार्टी ने मुझे इसमें इन्वाइट किया। अरे गिल सर भाई हमारे, उन्होंने कहा कि आप जरूर आए। अली परवेज भाई ने मुझे कई दफा कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं है, सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने समझा कि मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है, मेरी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे जाना चाहिए और अपने दोस्तों को इकट्ठा करना चाहिए। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं करता उनके साथ निशाना बिछाना करना, तो मुझे किसी ने बलोचिस्तान से या मरकजी किसी भी पार्टी का मैं अपने उस पर आया हूँ पहले पार्टी ने। अच्छा, जिस तरह इस हलके में नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ अलग कहते हैं, इस मैदान में आ गई है, क्या यह हलका बहुत खास नजर आ रहा है आपको? हलका वजह है कि अब जो ट्रेंड चल रहा है या जो मौसम चल रहा है ना, वो थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है इस वक्त का मौसम। हम पीडीएम को देख लें, हम पीडीएम के जलसों को देख लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के जो जलसे इस हल्के के जो होते हैं ना, उन पीडीएम के जलसों से, मैं क्वेटा का भी जलसा देख रहे हैं पीडीएम में जो 17 तारीख का, ठीक है, तो मुझे लगा कि वहाँ पे कोई लोग नहीं है। लेकिन हम ये मुझे लगता है कि ये मैदानी जंग है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ हम अपनी स्ट्रेंथ हमने शो करनी है, हमने अपनी स्ट्रेंथ उन लोगों को बतानी है जो इन सिलेक्टर्स को लेके आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि पिछली दफा हमने 50,000 वोट लिए थे, तो इस दफा हम वो जो पीटीआई के जो वोट हैं, जो उनकी नाकामी है और उनकी नालायकियों की वजह से जो जाया हुए, वो हम लेके जाएंगे। अच्छा, जिमनी इलेक्शन की अगर बात करें, टर्न नंबर बहुत कम आता है, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी से जोश में जा रही है, क्या आपको फर्क पड़ेगा नून लीग को? नून लीग को अपने वोट लेने हैं, पीपल्स पार्टी ने अगर वोट लिए भी तो वो अपने खरीदे हुए वोट लेगी, और वो खरीदे हुए वोट वही होंगे जो पीटीआई के होंगे। ठीक है, नून के वोट कभी नहीं होते। ठीक है, तो नून को पीपल्स पार्टी के किसी भी एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूज के प्लेटफॉर्म पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम देने जा रहे हैं, हमारे भाई हैं मिनोरिटीज, और हमेशा हम उनके साथ खड़े हैं जिस तरह हमारे साथ खड़े हैं। हम इनके बगैर, हमारा पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है, और ये हमारी तरक्की के में हमेशा शाना निशाना है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि मिनोरिटीज जो है उसी तरह मुस्लिम लीग नून को जिताएगी जिस तरह उन्होंने पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिए। तारिक साहब, आप ये बताइए कि इस हल्के में छोटा सा एक ऑफिस बनाया है, और आपने जो है अली परवेज साहब को यहाँ बुला लिया ओपनिंग के तौर पर, कि आके यहाँ पे ओपनिंग भी करेंगे। देखिए, आपके का ये छोटा सा ऑफिस है, आपको पता है कि यहाँ पे लोग कितने खड़े थे? ये छोटा सा ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों के दिल की ये ख्वाहिश है, ये खुशी से, ना तो हमने किसी को पैसा दिया ना हम किसी से पैसे लेते हैं। बात ये है कि जिन लोगों ने आज ये वतीरा समझा होगा कि भी हम पैसे देके वोट लेंगे, मेरे प्यारे भाई नईम साहब ने बड़ी खुशी के बड़ी बहुत बड़ी बात किया कि आज मुस्लिम लीग नून का वोट नहीं बिकरा, ये वोट बिकरा है पीटीआई का, जिन्होंने काम नहीं किया, और जिन्होंने काम नहीं किया उनको फिक्र करनी चाहिए कि हमारा वोट जा रहा है। जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उनको फिक्र होनी चाहिए। हमने तो पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, हमने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से आजाद किया, हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करके दिखाया। हर चौक में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर टाउन में, हर जगह पे शेर की आवाज है। लेकिन ये कहते हैं कि 2,000 ले लो, 5,000, और हजार भी नहीं कहते, उनको हजार का लफ्ज भी नहीं आता। मेरे मोहल्ले इस इलाके में 247 के अंदर मुझे उसको नहीं पता था कि तारिक गिल बैठा हुआ है। तो एक गरीब खानदान में बैठना मेरा फर्ज में शामिल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने हमेशा गरीबों की आवाज बने हैं। तो हमने भी जाके घर घर जाके डोर टू डोर जाके कंपेन शुरू की हुई है। तो जब मैं कंपेन के दौरान अंदर बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया और कहता है कि आपको 2,000 मिल रहा है, आप भी जाए? तो अम्मा कहती है कि भरावा 2,000 दे अपनी मां नूं, 2,000 दे अपने प्यो नूं, सानू 2,000
ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਨਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ 133 ਆ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ और डंके की चोट पे देंगे और जब नईम जैसे बंदे जो मियां नवाज शरीफ के दीवाने हैं जो मियां शहबाज शरीफ के जान निसार हैं जो मियां हमजा साहब के लाडले हैं और इन ऐसी शख्सियात के होते हुए किसी को पैसों की जरूरत नहीं है ये सच्चे सुचल और बहुत ही खूबसूरत साथी हैं और जब हमारे सारे साथी उसका तल्लुक हो कोयटा से उसका तल्लुक हो किसी और सिंध से हो पंजाब से हो जब हमारी एक ही आवाज निकलेगी कि एक बारी फिर शेर फिर उठे कितने गिदड़ी मक्खियां रहनगियां ये गिदड़ियां गुदड़ियां दौड़ जानगियां खुदा दे फजल नाल 5 तारीख नु जब सूरज चढ़ेगा और नवाज शरीफ दी जीत शेर दी जीत होएगा या गुरूब होएगा वो भी सानू दस के जाएगा कि आज शेर दे वोटर जड़े ने वो खुशी मनान क्योंकि शेर दी कामयाबी इस हल्के की अगर बात करते हैं तो मैंने पूरा हल्का या देखा भी है रिपोर्टिंग भी की है तो माइनॉरिटी के ऑफिस कम नजर आ रहे हैं नून लीग के पीपल्स पार्टी के ज्यादा हैं कहाँ आपने देखा है खाप तो नहीं देख रहे हैं एक और मैं आपको बताना हूँ हाँ आपको पता होगा अच्छा तो उनकी वजह से वो पता क्या करते हैं आजकल ठीक है पीटीआई के लोग उनको पता क्या हमें ऊपर से चुटकियां पड़ेगी तो वो क्या करते हैं एक दिन के लिए पैसे लेके उनका दफ्तर खोल देते हैं दूसरे दिन क्लोज कर देते हैं लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो दफ्तर खुलेगा वो बंद कभी नहीं होगा इलेक्शन आज हो जाए इलेक्शन 10 महीने के बाद हो जाए जब उसका दफ्तर खुलेगा शेर का वो ओपन होगा तो ओपन ही रहेगा ये दफ्तर आप 10 साल के बाद देंगे ये दफ्तर मियां नवाज शरीफ का दफ्तर होगा पीपल्स पार्टी के दफ्तर आज खुल जाएंगे कल वो खफा रहे 2000 खत्म दफ्तर भी खत्म।